नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से पशुपालन विभाग ने कार्य शुरू कर दिया है। किसानों की आय का एक बड़ा हिस्सा पशुपालन पर निर्भर करता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हरियाणा प्रदेश में आज पशु किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की गई। हरियाणा प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जयप्रकाश दलाल ने भिवानी में इस योजना का शुभारंभ किया तथा प्रदेश के 101 किसानों को पशु किसान क्रेडिट कार्ड भेंट किए। कृषि एवं पशुपालन मंत्री जयप्रकाश दलाल ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि फसल से आय के अलावा पशुपालन दूसरा मुख्य आय का साधन है। जिन किसानों के पास अपनी जमीन नहीं है, जो पशुपालन पर निर्भर हैं, उनके लिए पशु किसान क्रेडिट कार्ड लाभदायी साबित होगा। यह कार्ड किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर बनाया गया है। इसके तहत पशुपालन वाले किसान अपने पशुओं की संख्या, उनकी नस्ल व उनके दूध देने की क्षमता के आधार पर पशु किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं, जो 7% वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध होंगे, जिनमें 3% सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। यह कार्ड बगैर गारंटी के पशुपालकों के लिए बनाया जाएगा। इसमें प्रथम चरण में 10,000 केसीसी 1 माह में बनाए जाएंगे और इसके साथ ही भिवानी जिला से संबंधित 500 के लगभग किसानों की कृषि बीमा मामलों का निपटान भी आज किया जाएगा। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की विशेष रिपोर्ट। गेहूँ 4 किलो में 50 माह होगा तो 5-10% पर सत्तापन हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। सरसों की भी लिमिट है, 20 क्विंटल होगी तो 20 रहेगी। बाजरा कितना हुआ है उतना ही रहेगा। नारा दे दिया आमदनी बढ़ाने का, तो आमदनी बढ़े कैसे? उस आमदनी बढ़ाने के बारे में हरियाणा सरकार, हरियाणा का कृषि विभाग, हरियाणा का बागवानी विभाग और हरियाणा का पशुपालन विभाग, हरियाणा का मछली विभाग सौभाग्य से भिवानी जिले के पास आ गए। अब आप लोगों के कंधे पे जिम्मेवारी है कि मोदी जी के जो लक्ष्य है उसमें हम सब सहयोगी बने। स्कीमें विभाग बहुत सारी चलाते हैं, पहले भी चलाते हैं। स्कीम आई, कुछ सब्सिडी आई, कुछ सब्सिडी खा दी, बाद में खत्म हो गया प्रोजेक्ट। किसी को ना विभाग को फायदा हुआ, ना किसान को फायदा हुआ। लेकिन मैं आपसे सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, आप भिवानी जिले के मेरे किसान भाई हैं, हमारे मालिक लोग हैं, आप लोगों पहले ये कसम खाओ कि हमने मोदी जी की जो परिकल्पना है किसान की आमदनी बढ़ाने वाली, काम करके हमने आमदनी बढ़ा के उसमें सहयोग देना है। हमारे विभाग के द्वारा, पशुपालन विभाग के द्वारा पूरे देश के अंदर पहली बार एक अनोखी योजनाएं शुरू की है, पशु किसान क्रेडिट कार्ड। पशुपालन के लिए पशुपालक को एक निश्चित ब्याज पे, जिसमें सब्सिडी भी है, 60,000 रुपये, शायद 60,000 से ज़्यादा गाय के लिए, इसी तरह भैंस के लिए, बकरी के लिए, भेड़ के लिए और छोटे मोटे सब व्यवसायों के लिए। साल में जैसे किसान क्रेडिट कार्ड ज़मीन के अगेंस्ट होता है, इसी तरह से जो लैंडलेस फार्मर हैं, जिनके पास ज़मीन भी नहीं है, बगैर किसी गारंटी के जो ये योजना लागू की गई है। और आज 100 आदमियों का पंजाब नेशनल बैंक के माध्यम से ऐसे कार्ड हमने बंटवाए हैं और ये 1 साल के लिए होगा। साल में एक बार इसको जीरो करना पड़ेगा, जैसे केसीसी में भी जीरो करना पड़ता है। और जो पूंजी की आवश्यकता होती है छोटे किसान को, उसकी ये भरपाई करेगी, उसकी आमदनी बढ़ेगी। इसी तरह से बीमा योजना 400-500 बीमा जो पेंडिंग केस थे उनके बीमा करवाया गया, और पशुओं के जो टैगिंग की व्यवस्था है उसकी तरफ भी आज ये स्कीम को आगे बढ़ाया गया। छोटी छोटी बहुत सारी योजनाएं की आज शुरुआत की गई और इसका मुख्य उद्देश्य यही है जो हमारे प्रधानमंत्री की, श्री नरेंद्र मोदी जी की योजना है कि किसान की आमदनी बढ़ाएं। तो किसान की आमदनी अकेले खेती बाड़ी से नहीं बढ़ेगी, पशुपालन से भी बढ़ेगी, हॉर्टिकल्चर से बढ़ेगी, बी कीपिंग से बढ़ेगी, या छोटी कोई प्रोसेसिंग के काम खेती बाड़ी की चीज़ों करे तो उससे बढ़ेगी। और सारे बड़े जोश है लोग किसानों के अंदर और बहुत सारी उनको उम्मीद है। मुझे पूरा भरोसा है कि हरियाणा के पशुपालकों को, हरियाणा के किसानों को इस योजना से बहुत सारा लाभ होगा। मेरा नाम क्या कार्ड बने आपका, इसका क्या लाभ होगा? मेरा नाम सुनीता है, लोहारू से।
ये है जो अन्य दिक्कत राधी जो भैंस लेनी हो जो सर जो दूसरे के लिए नहीं जाना पड़ता और खड़बी नोड़े लेने हो जो चारा लेना होता हो तो यो काम बढ़िया कर दिया जी। क्या क्या प्रयोग होंगे जी इस कार्ड के? इसमें जी भैंसे के चारा आ जाएगा, पहले छोटे पशु आ जाते हैं सर, फिर चारा आ जाएगा, चाट आ जाती है सर, जो हरी बीमारी पर लग जाते हैं। हाँ, ब्याज भी किसी के लेने नहीं पड़ते हैं सर, 1,20,000 के सर। हाँ वो है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।